ये देखिए, ये जो है इसने इन्होंने लिखा है, लव जिहाद का मुंह तोड़ जवाब देगी हिंदू सेना। ये लव जिहाद, जिहाद का माना पता है आपको पंडित जी? जिहाद का माना पता है आपको क्या होता है? जिहाद का मतलब क्यों नहीं कहा? हमने सुना है। मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ और जो भी सुना भी सकता हूँ। थोड़ा सा साइड होइएगा, साइड होइएगा, बताइए थोड़ा सा। आप अपने बैनर पे क्या लिख रखा है? आपने क्या लिखा बताइए, बताइए बताइए। नहीं आप बताइए, पढ़ाइए। एक चीज बताइए, अगर कोई यहाँ पे कह दे कि कोई और राष्ट्र बनाए तो क्या वो गद्दार है? क्या कौन राष्ट्र बन रहा है? हिंदू राष्ट्र तो है, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का है पहले से, इसमें दिक्कत क्या है? मुस्लिम राष्ट्र कहने वाले अगर गद्दार है तो हिंदू राष्ट्र कहने वाले भी गद्दार है। ये बात गलत, ये तो ये मुल्क किसी के बापौती नहीं है, ये किसी की बापौती नहीं है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए, तुम बोलने नहीं दे रहे हो, आप बोल लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये किसी की बापौती नहीं, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर कुर्बानी नहीं चलेगी, यहाँ पर हलाला नहीं चलेगा, यहाँ पर गलत हिंसात्मक भावना नहीं चलेगी। यहाँ पर अभी 18 अगस्त को हम पेश कर रहे हैं जंतर मंतर पर राजपत्र के लिए, और ये राजपत्र आज लोकसभा में भी जा चुका है, कल राज्यसभा में भी जाएगा, प्रधानमंत्री के पास जा चुका है, जो कि राष्ट्रपति के पास जा चुका है। मैं ये कहना चाहूँ, हमारा अहिंसा की नीति है, हिंसा नहीं होगी, बलि करने वालों को भी दंड होना चाहिए। हलाला क्या है पता है? हलाला का सीधा सा मतलब है, आपकी पत्नी यदि आपसे नाराज हो जाती है और दोबारा आपसे समझौता होता है, उसके बाद सीधा तुम्हारे पास लौटाती है या किसी देना पड़ता है, ये हलाला। ये आपको गलत जानकारी है। नहीं नहीं, गलत जानकारी नहीं, इसके मैं प्रमाण दे दूंगा इसका। मैं हाँ, शब्द भी सही से नहीं बोल पा रहा। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अपने हिंदी शब्द बोल रहा हूँ। नॉलेज नहीं है कि आप सही से शब्द इस्तेमाल। नहीं नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके साथ वो निकाह करेंगे, साथ रहेंगे 4 महीने 10 दिन का जो कि नियम है। कौन से किताब में लिखा हुआ हलाला के बारे में थोड़ा सा बुद्धि? मैं आपको पूरी किताबें दूंगा, मोहम्मद साहब की भी दूंगा, और हलाला की आप यदि मुझे बता देते, आप मोहम्मद साहब के बारे में बात करें, ठीक है? नहीं तो मैं क्या कर, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नहीं चलेगा देश में। सुनिए एक मिनट, एक सेकंड, मान्यवर एक बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस बात को समझिए, देश में ये नहीं चलेगा कि गुस्ताख के मोहब्बत की यही सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ये माला बाकिया नहीं चलेगा किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। यहाँ टीका टिप्पणी होती है, देवी देवताओं पर भी लोग करते हैं, मारा नहीं जाता है, उनको कानूनी दंड होना चाहिए। उदयपुर में जो हुआ क्या उसका आप पक्षधर हैं? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा इसलिए सिर उतारा जा रहा है, उन्होंने कहा इसलिए सिर उतारा जा रहा है, इसलिए मैं मुसलमानों का पक्षधर था, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु जब मैंने देखा वहां पर गलती है, हिंसा है, ने उसका सपोर्ट किया है, किसने, कौन से मुसलमान ने सपोर्ट तो किया? कौन से मुसलमान ने ये नहीं कहा कि जो तन सर से जुदा, सर तन से जुदा, ये मैं कह रहा हूँ, तुमने नहीं कहा, अपनी बात छोड़िए, आपने नहीं कहा, लाखों लोगों ने कहा है, वीडियो मिल सकती है, समाचारों में भी आया। सुनिए, किसी मुसलमान ने उस हत्या का जो है सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, किसी ने नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो हत्या हुई क्यों? अगर एक भी शख्स आपके नजर में है, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं क्या करूँ? हत्या हुई क्यों? उसका कारण होना आगे नहीं होनी चाहिए। हत्या क्यों? मैं क्या करूँ? हजारों लोगों ने मान्यवर इस बात को सुनिए, जब हजारों लोगों ने ये कहा मोहम्मद के जो कि गुनाहों की यही सजा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। नहीं नहीं सुनिए, गलत बात कर रहे हो। मैं केवल वो बात कह रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ध्यान रखिए। अरे तुम जो कि कोई भी सर उड़ा दीजिए, मैं नहीं डरता, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपराध नहीं चलेगा, किसी का सर नहीं उड़ेगा, यहाँ प्रेम से रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे लोग, इंजीनियर डॉक्टर इनसे प्रगति करें, आज की शिक्षा ले। आप तो नफरत बांट रहे हैं, प्रेम की नहीं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, हम प्रेम की बात कर, इसीलिए हिंदू राष्ट्र में करना पड़ा जो कि घोषित, नहीं तो हम कभी भी नहीं करते। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं हिंदू युवाओं से कि आप जो है तलवार उठाएं, आप तलवार उठाने की शिक्षा, मैंने कहा है, यही आप कहते हैं कि मैंने ये कहा है, सुनिए मैंने ये कहा है, सुनिए मेरी बात, मैंने ये कहा है, दशहरा पर हमारे यहां शस्त्र पूजा होती है, और किसी के घर में जो कि शस्त्र नहीं है, सभी को दो दो चार चार तलवार रखनी चाहिए और पूजन करना चाहिए, और हमारे यहाँ जैसे तुम्हारे यहाँ बलि जो कि वो कुर्बानी होती है, हमारे यहाँ नरियल को काट करके बलि दी जाती है। अच्छा, हमने बलि को छोड़ दिया है, तो वो तलवार से होनी चाहिए। अच्छा, देवी माँ की तलवार होती है, उसमें दिक्कत क्या है? आप चलेंगे बिहार, चलेंगे उड़ीसा, चलेंगे, उसका हम विरोध करते हैं, कानून ला रहे हैं, हम कानून ला रहे हैं, हम कानून ला रहे हैं, बलि और कुर्बानी दोनों का विरोध करते हैं, हिंदू राष्ट्र में दोनों बंद होंगे। आप सरकार है? मैं हाँ सरकार है, हम जब हिंदू राष्ट्र हमने घोषित किया है तो हमें मान्यता मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान यही रहेंगे, शिक्षित होंगे, और मुसलमानों के लिए जगह कौन सी होगी? मुसलमानों का देश है, यहाँ पर उनके बुजुर्ग हैं,
या प्यार से रहें, पर जनसंख्या नियंत्रण कानून जो कि पालन करना पड़ेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए। और दूसरी बात, सभी को अहिंसावादी होना पड़ेगा, आराम से रहें, देश में कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या की बात कर रहे हैं, आप खुद के चार बीवी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी तो मुझे भी दंड दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए और अहिंसावादी होना चाहिए, हिंसा को बिल्कुल त्याग दे। मैं कहा रोक रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी दंड दीजिए, यदि मैंने गलती की है तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। आपके भी तो 11 बच्चे ना, तो इस पे क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ मेरे 11 नहीं 50 हैं, इसके लिए दंड दीजिए, मुझे जेल में डालिए, जो कानून का बनता है उसे स्वीकार करूंगा। अच्छा, आपने कहा मुसलमान शिक्षित होने चाहिए, क्या मुसलमान शिक्षित नहीं है? सारे मुसलमान शिक्षित नहीं है, मुसलमान शिक्षित है। मुसलमान में ज्यादातर यह है, ये एक जो भी धर्म के लिए सर कटाने की बात करते हैं गलत है। हाँ, कलम साहब का हम सम्मान करते हैं, हमारे शिक्षित है, अशिक्षित है। मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका सम्मान करता हूँ, अब्दुल हमीद जी का सम्मान करता हूँ मैं। तो उनके अलावा कोई मुसलमान नहीं है? उनके अलावा कोई मुसलमान नहीं है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। अभी जो कि इमाम वगैरह हैं, मैं कह रहा हूँ वो हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ आज के टाइम में जो कि कई लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ देश में रहिए, शांति से रहिए, अहिंसा से रहिए, यहाँ दादागिरी किसी की नहीं चलेगी। शांति से रह रहे हैं, लेकिन आप जैसे कुछ बाबा है जो कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत बांटते हैं, नफरत। मैं प्यार बांटता हूँ, देश बर्बाद, इंसानियत की बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ, बर्बाद होगा। हिंसा करके, हिंसा करके नेक इंसान का जो कि ठप्पा नहीं लगा सकते अपने ऊपर, चाहे वो बलि करता हो चाहे कुर्बानी करता हो, ये हैवान करता है, काफिर करता है, ये कोई अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता। पता है आपको काफिर का मतलब जलील व्यक्ति नहीं, काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, कई मतलब है। एक मतलब मैं आपको बताता हूँ, काफिर का माने होता है ना मानने वाला, ठीक है, जो खुदा को नहीं मानता। जबरदस्ती किसी की नहीं है, वो माने या ना माने, खुदा को माने, राम को माने, कृष्ण को माने, कोई ना कोई किसी न किसी को मानता है। और खुदा को ना माने तो कोई नहीं मानता, मुसलमान के अलावा कौन मानता है? सिख मानते हैं क्या? हिंदू मानते हैं क्या? आपने जिहाद के बारे में, मैं कह रहा हूँ आतंकवादी पोजिशन है, केवल आतंकवादी पोजिशन केवल, और कुछ नहीं। जिहाद का मतलब है ये देखिए, ये जो है इसने, इन्होंने लिखा है लव जिहाद का मुंह तोड़ जवाब देगी हिंदू सेना। ये लव जिहाद, जिहाद का माना पता है आपको पंडित जी? जिहाद का माना पता है आपको क्या होता है? मतलब एक ही बात समझते हैं आजकल कि भाई एक जो हत्या करना, दूसरे को जो कि किसी ने किसी कारण से बिना कारण के मारना, जिहाद के नाम पर कट्टरता पैदा करना, हिंदू भी कट्टर हो वो भी खतरा है देश के लिए, मुसलमान भी कट्टर है तो वो खतरा है। नहीं, मैं कट्टर कहा हूं, मैं तो एक न्यूट्रल हूं और सेकुलर हूं, आप अच्छी तरह जानते हो। मैं कह रहा हूं मुझे सब कुछ मालूम है। हम बता रहे पंडित जी, जिहाद का माने होता है संघर्ष करना, ठीक है, और किसी चीज के लिए भी संघर्ष हो सकता है। नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिहाद का मतलब सब लोग समझ गए हैं अच्छी प्रकार से, कि देश की फिजा को खराब करना और आतंकवादी पैदा होना। मैं ये कहना चाहता हूँ ये देश में जो कि जिहाद शब्द नहीं चलेगा, कुर्बानी शब्द नहीं चलेगा। चलिए, धन्यवाद।